देखो उनको विपक्ष को भी बिल्कुल ठीक है, उनकी बात ठीक है कि उन राज्य को ज्यादा पैसा दिया गया जो राज्य भारत सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उससे अलग बात करते हैं। बिहार भी सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, बिहार में मंडियां नहीं है, बाजार समिति वहां पर खत्म कर दी गई, वहां की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि वहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, वहां सबसे ज्यादा नदियों के ऊपर पुलों के ऊपर काम होने हैं, सड़कों के ऊपर काम वहां पर होने हैं, तो बिहार में वो लगा तो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि लग कैसे रहा, क्योंकि वहां की प्रथा है जो ठेकेदार वहां पर काम करता है उसको जो गुंडा तत्व है वहां का वो उसको हफ्ता पैसे लेता है। वहां ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, पुल सबसे ज्यादा गिरे हैं, तो वे क्यों गिरे, तो माल ठीक नहीं लगा, क्या ठेकेदारों की कमी रही, किसकी रही, तो उस पैसे की मॉनिटरिंग हो और बिहार को एक बढ़िया स्टेट बना जाए, बिहार के लोग लेबरिंग के लिए बाहर ना जाएं, तो अगर पैसा चला गया वापसी आएगा ही नहीं। लेकिन जो विपक्ष है उसका अपनी तरीके से कहना है, हमारा यह है कि जो चला गया वहां पे लगे, और भारत सरकार जो पक्षपात कर रही है कि दूसरे स्टेट को पैसा नहीं दे रही, भारत सरकार को देना चाहिए पैसा। निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया, उन्होंने कहा विपक्ष को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बजट में और हर राज्य का जो नाम है वो लिया जाए, एक उदाहरण भी उन्होंने दिया, कहा कि कोई नजरअंदाज नहीं किया गया है, तो क्या ऐसे वो तो सत्ता वाले तो कहेंगे भाई, वो तो वो कहेगी ना जो वहां की सरकार कहेगी, जो लिख कर दिया है उनको उनको वही बयान देने हैं, एक पॉलिटिकल बयान होता है, लेकिन नजरअंदाज पूरे देश को किया गया है। लेकिन ओवरऑल आप बजट में अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है क्या मिला और क्या नहीं मिला, क्योंकि देखिए सरकार तो कह रही है कि 1 करोड़ किसानों को सहायता वाली बात या कुछ फसलों पर मुख्य रूप से कई चीजें की जाएंगी, क्या जो नई फसलें लेकर आएंगे उनके नए ट्रायल होंगे, क्या उसका डाटा सार्वजनिक करेंगे, नए सीड लेकर आएंगे तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके सीड लेके ही आएंगे, उन्हीं को नए फील्ड ट्रायल देंगे, अपनी जमीन देंगे यहां पर ही वे ट्रायल करेंगे, क्या नए जो ट्रायल होंगे वो जो भारत के लोग हैं, भारत के हमारे साइंटिस्ट हैं, क्या रिसर्च में वे सहयोगी रहेंगे। इन्होंने कहा कि प्राइवेट रिसर्च को भी हम स्थान देंगे, ये उन्होंने बात करी, तो हमको आशंका है कि जीएम सीड को ज्यादा ये प्रमोट कर सकते हैं। मैं एक बयान आपको बताता हूं इस पर क्या कहा है, उन्होंने कहा हम सभी किसानों के लिए एमएसपी, किसानों को गरीबों के लिए पैकेज की मांग कर रहे थे, लेकिन यह सरकार उन लोगों को पैकेज दे रही है जो सरकार चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम राज्यों को विकास के लिए पैकेज दिए जाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों के साथ भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए था, 5,000 की सिर्फ नौकरी दे रहे हैं सरकारी कर्मचारी, 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं, ये सभी पर ये बिल्कुल ठीक बात है उनकी। दूध के रेट एक साल में 20 रुपए कम हुए, और दूध का उत्पादन करने वाली वे महिलाएं, वे माताएं बहने हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास में जमीन नहीं है, वे कैसे पशुओं को चारा खिलाती हैं, किन परिस्थितियों में आती हैं, क्या उसमें कुछ मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। क्या हेल्थ के ऊपर कोई देश की पॉलिसी है, क्या एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी है, जिस तरह से ये इलेक्शन को कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो हमने कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन वन हेल्थ, तो इस पॉलिसी पे भी देश में काम होना चाहिए। जो गरीब आदमी है, अभी भी फोन आए आज, किसी के हाथ टूट गए, हड्डी टूट गई, उस पर कार्ड नहीं है तो उसका इलाज नहीं होगा देश में। अगर भारत का रहने वाले लोग हैं, वे गरीब हैं, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना तो क्या देश में उसका इलाज नहीं होगा। ये अगर गांव में ग्राउंड रिपोर्ट देखोगे तो किसान की, गांव की, मजदूर की हालत बहुत खराब स्थिति है। बस मुझे लास्ट प्रतिक्रिया इस पर जरूर, एमएसपी का क्योंकि मुद्दा था, हमने तो गाजीपुर से लेकर तमाम जगहों पर देखा, वो अभी की स्थिति क्या है और बजट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या वो उसको लेकर चीजें हुई? उसमें कानून बनेगा, बजट में होता है कि हम पूरे देश की फसलों की खरीद करेंगे, तो बजट में आता, पूरे देश की फसलों की खरीद एमएसपी पे हो नहीं सकती, तो इसको एमएसपी गारंटी कानून बना दें,
उसमें एक रुपया इनका नहीं लगेगा, लेकिन ये सरकार बड़े उद्योगपति की सरकार है, उनको नुकसान ना हो फसलें खरीदने में, तो इसलिए गारंटी कानून नहीं बनाएंगे। उससे स्पष्ट होता है ये कर्जा देंगे, ये पशु के ऊपर कर्जा दे रहे हैं, ये घर की जो और इक्विपमेंट है उस पर कर्जा दे रहे हैं, ये घर पे कर्जा दे रहे हैं, ये जमीन पे कर्जा दे रहे हैं, किसानों को, गांव को, गरीब को, मजदूर को कर्जदार बना के उनकी सब जमीन हड़पना चाहते हैं, उनको अपना नौकर बनाना चाहते हैं, और देश गरीब हो, देश कर्जे में जाए, ये इनकी पॉलिसी है। इस देश को फिर आंदोलन के लिए खड़ा होना पड़ेगा, इस देश को बचाना है तो ये देश बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से बचेगा, ये देश आंदोलन से बचेगा, उसके लिए फिर इस देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।